हरियाणा के रोहतक में जाट प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ में से पहले गोली चलाई, जिसके बाद बीएसएफ को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला किया और उन्हें बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने एक जिप्सी और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि भीड़ घायलों को भी उठाने नहीं दे रही थी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन में फायरिंग के दौरान मारे गए शख्स के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने पावर हाउस पर एक गन हाउस को भी लूट लिया। इधर देर शाम असामाजिक तत्वों ने बजरंग भवन के पास के नटराज होटल में भी आग लगा दी। आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने रोहतक में राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला बोल दिया। तोड़फोड़ करने के बाद उनके घर और कार में आग भी लगा दी। उधर कैथल में भी सांसद राजकुमार सैनी के हुड्डा निवास पर तोड़फोड़ की गई। सांसद के घर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, हालांकि तोड़फोड़ के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। हरियाणा में आरक्षण की आग सिर्फ रोहतक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने भिवानी में भी कई जगहों पर आग लगाई और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के कई रास्ते बंद कर दिए, सड़कों पर पेड़ काटकर गिरा दिए गए। हिसार में अग्नोहा और एनएचटेन पर जमा होकर जाटों ने रास्ते को बंद कर दिया। बहादुरगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जाटों ने सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सिरसा में भी आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने प्रदर्शन किया, कई स्कूलों को बंद कराने पहुंचे। यहां भी जाट समुदाय के लोगों ने मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन उग्र करने की बात कही। आरक्षण के आंदोलन में हिंसा बढ़ते देख राज्य सरकार ने रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार, जिंद, कैथल, पानीपत में सेना बुलाई। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यूग्रस्त शहरी इलाके में स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया है। सभी जिलों में सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारी भेजे जा रहे हैं। हरियाणा में जाटों के आरक्षण की बढ़ती आग को देखते हुए सिरसा में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुड़गांव के भी सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा है। बीकानेर रेल मंडल की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। रेल मंत्री ने आंदोलनकारियों से रेल सेवाओं में बाधा न डालने की अपील की। पानीपत में जाट आंदोलनकारियों ने चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक कुल 550 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई। जाट आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि वो जाट आरक्षण के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए विधानसभा में सरकार बिल लाने को भी तैयार है। उधर जाट नेताओं ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया है। जाट नेताओं का कहना है कि पहले सरकार आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाए, फिर विधानसभा में बिल। शुक्रवार देर रात हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, जेटली और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हुए। आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 3,300 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हरियाणा भेजा गया है। जाट आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मुराक नहर को भी बंद कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इससे दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। हरियाणा में आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे हरियाणा सरकार की विफलता बताया, वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे बीजेपी को की बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बताया। सूरत की जेल में पटेल आरक्षण के लिए अनशन कर रहे हार्दिक पटेल की तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आरक्षण की मांग को लेकर सूरत में पाटीदारों ने 2 बसेज में आग लगा दी। यही नहीं, पाटीदार अनामत समिति के सदस्य भी अनशन पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया के वकील से जमानत के लिए हाईकोर्ट में जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया और उसके वकील को सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसके बाद कन्हैया के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल में बंद कन्हैया से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जेल जाकर मुलाकात की। टीम के सदस्यों ने बताया कि जेल से लिखी चिट्ठी कन्हैया ने स्वेच्छा से नहीं बल्कि पुलिस ने लिखवाई थी। एनएचआरसी की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तिहाड़ जेल के डीजी को भेजा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कन्हैया पर हमला पूर्व नियोजित था। प्रेस क्लब में देश विरोधी नारेबाजी मामले में फंसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी की जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। गिलानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। गिलानी पर आरोप है कि उन्होंने 10 फरवरी की शाम को प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के खिलाफ नारे लगाए थे।
देशद्रोह के आरोप में फरार चल रहे जेएनयू के छात्र उमर खालिद के पिता सैयद कासिम इलियास ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिद के पिता के मुताबिक उन्हें इंटरनेट नंबर से कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम रवि पुजारी बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमर खालिद के पिता का यह कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उनके मुताबिक सभी ने मिलकर नारेबाजी की थी, लेकिन सिर्फ उनके बेटे का नाम को घसीटा जा रहा है। उमर खालिद ने 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच जो 2 फोन नंबर इस्तेमाल किए हैं उनमें से 800 कॉल्स किए गए। इनमें से 100 से ज्यादा कॉल कश्मीर किए गए और वहां से आए। पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों, छात्रों और पत्रकारों के साथ मारपीट के आरोपी विक्रम चौहान का गुरुवार को सम्मान किया गया। देशद्रोह के विरोध में दिल्ली के सैकड़ों वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट से इंडिया गेट तक एक मार्च निकाला। इसके बाद इन वकीलों ने पुतला फूंका। जेएनयू मामले को लेकर कन्हैया के समर्थन में वामपंथी छात्र संगठनों ने दरभंगा से दिल्ली जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। आईएसएफ के समर्थकों ने पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया। जेएनयू के मुद्दे पर सीपीआई कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चेन्नई में भी जेएनयू मुद्दे पर आईएसआई ने प्रदर्शन किया। देशद्रोह के मुद्दे पर जयपुर में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र भिड़ गए। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर दोनों संगठनों के छात्रों ने जमकर एक दूसरे पर हमला बोला। हंगामे को खत्म करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एनएसयूआई के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर चाकुओं और लाठियों से हमला किया। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में तिरंगा फहराने के केंद्र सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि वो नहीं जानते कि हमारे दिलों में कितना बड़ा तिरंगा लहराता है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि हर जगह तिरंगा फहराया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस के दफ्तर पर भी तिरंगा फहराना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य शिखर धवन ने भी हर यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। खुद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरंजन दास ने इस विषय पर राज्यपाल के श्रीनाथ त्रिपाठी से भेंट कर इसकी जानकारी दी। वाइस चांसलर ने गवर्नर से मिलने के बाद बताया कि कुछ छात्रों ने नारे लगाया था, जिसको लेकर उन्होंने यूनियंस के साथ भेंट की, फिर यूनियन ने इस घटना का खंडन किया। कांग्रेस के बागी नेता कालीकोपोल अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ईटानगर में शपथ ग्रहण समारोह में रात 9 बजे कालीकोपोल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कालीकोपोल सरकार को बीजेपी के 11, कांग्रेस से टूटकर अलग हुए 19 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। आरजेडी के निलंबित विधायक राजवल्लभ की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। उन पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश अमलसी चुनाव में बांदा, मेरठ और लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवारों ने आखिरी वक्त में अपने पर्चे वापस लिए, जिसके बाद इन 3 जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। आनंदीबेन सरकार में मंत्री रहे विजय रूपाणी को गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। गुजरात में लंबे वक्त से बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस वसी केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद की रेस से बाहर हो गए हैं। दरअसल जेएनयू कांड के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर वसी थे। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी ने एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बसी के नाम का सख्त विरोध किया। बसी इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पैदल मार्च उन्होंने निकाला। पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया था, लेकिन बिजली सिर्फ 5 घंटे ही मिल रही है। शुक्रवार को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में जुमे की नमाज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। कुछ शरारती तत्वों ने थैंक यू जेएनयू और अफजल गुरु हमारा हीरो के बैनर उठा रखे थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक पूर्व रियासत की रानी और राजकुमारी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। छतरपुर जिले की पूर्व नेगुआ रियासत की महारानी युवरानी और उनकी बेटी बेबी राजा का शव उनके ही महल में मिला। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जोधपुर विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी का आरोप है कि शिक्षा मंत्री से यूनिवर्सिटी में फैली अनियमितता की शिकायत करने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दिलीप फ्रंगा नाम के इस कर्मचारी की पत्नी की दोनों किडनियां खराब हैं। ऐसे में पीड़ित दिलीप सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने फूड पार्क बनाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि पीठ को 653 एकड़ की जमीन दी है। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन आतंकी मसूद अजहर अब तक उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ।
दरअसल हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया हुआ है। खुद एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए जांगवा से बात की थी। पाकिस्तानी की एक अभिनेत्री ने मुंबई के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भोजपुरी डायरेक्टर और उसके दो दोस्तों के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी भोजपुरी डायरेक्टर श्यामचरण यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे मुंबई के जोगेश्वरी से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी अभी भी फरार हैं। बिहार में चांद दिखाई पड़ने के कुछ ही देर बाद उसके चारों तरफ एक बड़ा गोलाकार रिंग जैसा आकार दिखा, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक मकान में छिपे तेंदुए को पकड़ लिया गया। तेंदुए ने हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। यूपी के फैजाबाद में बेटे के साथ हुई छेड़खानी में इंसाफ पाने के लिए एक पिता मोबाइल की टावर पर चढ़ गया, किसी तरह से पुलिस ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। लखनऊ में 251 रुपए का मोबाइल लाने वाली कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। लोगों का आरोप है कि कंपनी फ्रॉड है और लोगों की गाड़ी कमाई लेकर भाग जाएगी। मुंबई की चलती लोकल ट्रेन में 2 संदिग्ध चोरों की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी के आरोप में युवकों की पिटाई की थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक मोबाइल चुराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के इलाहाबाद में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सरेआम नकल की जा रही है। आरोप है कि कई परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षक ही सरेआम सामूहिक रूप से परीक्षार्थियों को नकल की छूट दे रहे हैं। हालांकि अधिकारी नकल विहीन परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों का यह हाल है कि बाहर से ही सॉल्व किया हुआ पेपर परीक्षार्थियों के पास भेजा जा रहा है। यूपी के कन्नौज में एक दादा पर अपने ही पोते की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या का आरोप लगा है। दादा ने पोते की जीभ और निजी अंगों को भी खा लिया। पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में ही बच्चे की मां ने आरोपी दादा की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पिता ने शराब के नशे में 10 साल की बेटी की पिटाई की, जिससे उसका हाथ टूट गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बेकाबू ट्रक ने लॉरी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। लॉरी के पर खच्चे उड़ गए। देहरादून में सीबीआई ने कस्टम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर और 3 इंस्पेक्टर को 10 लाख की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पेरू में एक यात्री विमान दुर्घटना का शिकार होते होते बचा। तेज हवा के चलते विमान की लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी तरह पायलट ने उसे रनवे पर टेढ़ा उतारा। अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में पर्ल हार्बर के पास एक हेलीकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर पर एक परिवार के 4 लोगों समेत कुल 5 लोग सवार थे। चीन के ग्वांगझू प्रांत में एक बच्चा एक मकान की तीसरी मंजिल पर बालकनी से लटक गया। किसी तरह उसके पड़ोसी ने सीढ़ी लगाकर उसकी जान बचाई। स्पेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सांड ने एक शख्स को सींगों पर उठाकर पटक दिया। अगर सांड उस शख्स पर लगातार हमले करता रहा। ये तस्वीरें चीन की है, जहां एक आदमी और कुत्ते के बीच जमकर कुश्ती हुई। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर ये कुश्ती चलती रही। चीन में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। हालांकि ये इतना भयानक हादसा होने के बावजूद महिला की जान बच गई। कोसोवो की संसद में विपक्ष ने सरकार पर दबाव डालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। विपक्ष चाहता था कि सरकार सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के साथ सभी तरह के करार खत्म कर दे। दीपिका पादुकोण अपने फैंस के लिए आने वाली फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के एक तस्वीर सोशल साइट पर शेयर की है। सोहेल खान और उनकी वाइफ सीमा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। खबर है कि सीमा ने हाल ही में अपने बैंड्रा वाला घर छोड़ दिया और अपने मां के घर में शिफ्ट हो गई। सूत्रों की माने तो सोहेल और सीमा के बीच दूरियों की वजह हुमा कुरैशी हैं। बता दें कि सीमा अर्पिता की गोद भराई की रस्म में भी शामिल नहीं हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म कपूर एंड सन्स के नए गाने लड़की कर गई चुल को 2 दिन के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इन दिनों करण जौहर के साथ दिखाई दे रही हैं। हाल ही में वायरल हुई उनकी फोटो में करण के साथ एयरपोर्ट पर सुहाना खान भी नजर आई थी। क्राइस्ट चर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने अपने पहली पारी में अभी तक 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं, जिसमें मैकलम का तूफानी शतक शामिल है। अपने आखिरी मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए ब्रांडन मैकलम ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने ये शतक महज 54 गेंदों में लगाया। शुक्रवार को मुंबई में हुई बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। बोर्ड ने सीईओ और सीएफओ नियुक्त करने का फैसला किया। इसके अलावा लोधा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का फैसला किया है।
साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को बोर्ड की पूर्ण सदस्यता दी गई। इसके अलावा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी सदस्य बनाया गया है, लेकिन उसके पास वोट का अधिकार नहीं होगा। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस एपी शाह ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर हितों के टकराव के मामले को खारिज किया है। पुणे टीम के मालिक संजीव गोयका सौरव गांगुली के फुटबॉल टीम के कोऑनर हैं, इसलिए गांगुली पर हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। बीती रात कैपटाउन में खेले गए टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर में क्रिस मॉरिस ने ताबड़तोड़ 14 रन ठोककर अफ्रीका को यह मैच जिता दिया।